आपको मैं के जाती हूं, की में, और दो आपकी हो रही थी बट अभी आपकी जो टाइमिंग है वो ट्वेल्व ओ क्लॉक है सो तो बी रेगुलर इन द्लासेज अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप रिकॉर्डेड भी इनको देख सकते हो सो so, आज है वन ट्वेंटी इंग्लिश ग्रामर रूल्स का डे फिफ्टी हो चुका है तो इनडेफिनेट तो 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 को आप सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो जिसमें आपका ए और एन आ जाता है राइट right? इनडेफिनेट मतलब नॉट श्योर डेफिनेट का मतलब होता है श्योर तो डेफिनेट में आपका जो आर्टिकल यूज होता है द तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स की जिसमें दो आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके ए या फिर so let's talk of this आपने पता होगा कि आप a और an को कब यूज करते हो राइट तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको सिंगल दिखाना हो एक दिखाना हो तो आप उसके लिए यूज करते हो a या an जैसे कि मैंने कहा मेरे हाथ में पेन है कि एक पेन है तो आप बोलेंगे मेरे हाथ में एक पेन है i have a pen so जब कभी भी आपको सिंगुलर countable नाउन को दिखाना होता है मतलब जैसे कि अगर आप इस पेन के बारे में बात करो तो दिस पेन इज अ नाउन बिकॉज़ दिस हैज अ नेम प्लस ये सिंगुलर भी है सिंगुलर मतलब एक है काउंटेबल मतलब आप इसको गिन सकते हो तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हो तो आप हमेशा उसके साथ या तो आर्टिकल ए यूज करते हो या फिर एन यूज करते हो बट प्रॉब्लम ये आती है कि कहां पर हम ए यूज करें कहाँ पर हम एन यूज करें जैसे कि मैंने बोला पेन तो आप बोलोगे अ पेन मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो कुछ और बताओ एप्पल तो आप बोलोगे एन एप्पल ठीक है क्योंकि आपने क्या बर्ड रखा है ए इज फॉर कॉन्सोनेंट एन इज फॉर वोवल अगर आप इंग्लिश एल्फोबेटिकल सीरीज में जाओगे तो ऑल टोटल हमारे पास जो एल्फोबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं वी हैव ट्वेंटी सिक्स मतलब अगर हम अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करें ठीक है इंग्लिश की तो उसमें हमारे पास टोटल कितने लेटर्स होते ट्वेंटी सिक्स लेटर्स और इन ट्वेंटी अगर हम इनका मल्टीपल डिवीजन करते हैं तो ट्वेंटी वन और फाइव का डिवीजन आता है फाइव आपके वॉवल्स हैं, और आपके ट्वेंटी वन क्या है कॉन्सुरस राइट व्हाट आर वॉवल्स वॉवल्स इन हिंदी नोन एज स्वर And कॉन्सोनेट इन हिंदी नोन एस व्यंजन है ना vowels English में पढ़ोगे तो क्या आएंगे count e, कर लो A, e, I, o, U. ना? ये सारे आपके क्या होते हैं vowels? फिर आपके जो बचे हुए letters होते हैं B, C, D etc. वो सारे के सारे क्या होते हैं Consonants होते हैं क्या होते हैं Right? But actually एक्चुअली में जो आप rule पढ़ते हो ना A for consonant एंड फॉर वॉबल दिस इज इनकम्प्लीट नॉलेज ये इनकम्प्लीट नॉलेज है क्यों क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप वॉबल लगा रहे हो या फिर कॉन्सोनेट लगा रहे हो मैटर करते हैं इनकी साउंड कॉन्सोनेट साउंड एंड वॉबल साउंड सो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे पहचाने या कैसे समझे तो बस इसको मैंने अभी अभी बताया आपको कि साउंड को आप याद रखो स्वर से और कॉन्सोनेंट साउंड को आप याद रखो व्यंजन से ना व्हाट इज दिस वोवल साउंड इन डोंट अंडरस्टैंड मैम इज व्यंजन अगर आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा हुँ ये पढ़ते हो और पूरा ग्ञ तक पढ़ते हो तो आपको ये समझना जरूरी है जो आवाजें निकाल रहे हैं आवाजें प्रोड्यूस कर रहे हैं इ, इ, उ, उ, ए, 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 ओ, ओ, राइट? तक का जो भी वर्ड आता है आपका वो सारे के सारे किस में आते हैं स्वर में आते, हैं। किस में आते हैं स्वर में कर रहे है? क्या वो स्वर की आवाज निकाल रहा है या फिर वो व्यंजन की आवाज निकाल रहा है तो जैसे भी आवाज निकालेगा उसके आगे, आगे आप क्या लगा दोगे उसके आगे, आगे आप लगा दोगे फिर जैसे मैंने लिख दिया कैट अगर आप इसको हिंदी में पढ़ो तो कैसे आता है कैट तो क की आवाज निकल रही है तो मैं क्या ओ कैट oh, oh, मैंने बोला एग एग तो ए की आवाज निकल रही है जो कि एक स्वर है तो मैं लिख दूंगी An, egg. An, egg. An, egg. मैंने कहा Onest. तो भले ही ये एच लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट है बट जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऑनेस्ट ऐसे आता है ऑनेस्ट तो ओ की आवाज निकलती है तो क्या लगा देंगे राइट right, ऑनेस्ट के साथ आप एन नहीं लगा सकते क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल नहीं रहता, उसको नाउन चाहिए ही चाहिए होता है है ना आर्टिकल के पहले सॉरी uh, आर्टिकल के बाद आपको एडजेक्टिव अगर दिखाई दे रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा क्योंकि adjectives के पहले कभी भी आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते सो आई हैव हैर्टन क्वेश्चन फॉर यू यू हैव टू जस्ट डू द प्रोनासिएशन इन हिंदी यू यू हैव हैव टू टू राइट एंड देन आंसर वो सोर्स से शुरू हो रहा है कि व्यंजन से शुरू हो रहा है उसके आगे आल आएगा या आन आएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आते हैं सो राइट ए और एन बिफोर इट, बिफोर दीज वर्स राइट ए फॉर व्यंजन एंड एन फॉर स्वर, प्लीज डोंट फॉर वर्बल एंड कॉन्सोनेंट या तो वर्बल साउंड बोलो या तो स्वर व्यंजन बोलो सो so, मैंने बोला आई कैसे लिखते हो आई मैंने बोला बॉक्स बॉक्स ऐसे लिखते हो ना बॉक्स हॉर्स हॉर्स ठीक है ना आर 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 ठीक आगे बढ़ो एम बी एम बी ए बी बी ए यूनिवर्सिटी 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 ईयर अब अच्छा ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है यर इसको क्या पढ़ते हो इसको पढ़ते क्या पढ़ते पढ़ते हो यर पढ़ते हो आज आपको पता चलेगा कि आप सही पढ़ते हो कि गलत पढ़ते हो तो जब आपने बोला आई जो है वो एक स्वर है तो क्या लगा दिया आपने बॉक्स ब ब क्या एक व्यंजन है व्यंजने. तो व्यंजन है तो क्या लगा दिया आपने हॉर्स ह हो, क्या है व्यंजन है तो लगा दिया हॉर्स आर 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 अ की आवाज निकाल रहा है 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 स्वर है, लगा दिया एम बी ए की आवाज निकाल रही है है ए बाद में आ रहा है। MBA. भले ही आप ये स्टार्ट कर रहे हो एक होनेट लेटर से बट ये एक्चुअली में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि व्यंजन की आवाज नहीं है वो एक वॉवल की आवाज है किसकी आवाज है वॉवल की आवाज है तो ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है लेटर कॉन्सोनेंट है लेटर कॉन्सोनेंट है ठीक है ना बट आवाज कैसे निकाल रहा है वोवल साउंड तो साउंड मैटर करती है स्वर की आवाज निकाल रहा है तो क्या लगा दोगे बी बी ए बी ब बी पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है, बी है ना तो बी बी एक कॉन्सोनेंट है साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है और इसके साथ व्यंजन लगाओगे या व्यंजन के लिए क्या लगाते हो यूनिवर्सिटी यू ए आईओ यू यू वोवल है लेकिन यूनिवर्सिटी को कैसे लिख रहे हो यूनिवर्सिटी य उ य एक व्यंजन है सो so यहां पर भले ही वॉबल लिखा गया हो लेकिन कॉन्सोनेंट आवाज निकल रही है और जब आवाज निकल रही होती है व्यंजन बनता है कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन और व्यंजन के लिए क्या लगाते हो ओ अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है क्योंकि कई सारे बच्चे उसको ईयर ईयर पढ़ते हैं अगर ये ईयर है तो फिर ये क्या है कान और के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते ईयर लोब पे आप अपनी करवाते हो हो छिदवाते कान को ठीक है ना सो so, अच्छा चलो यहाँ पे आ गई मैं तो दो तीन चीजें बताती चलू आपका ये आपका कान है जहाँ पे आप कान छिदवाते हो वो आपका ईयर लोब है ठीक है कान छिदवाने को बोलते हैं प्योरसिंग और अगर कोई कनपटी पे आपके जोर से थप्पड़ मार मारे तो ये कनपटी को आप बोलते हो ये टेम्पल ऑफ योर ईयर राइट सो so, ये ईयर वो वाला ईयर नहीं है इसको योर बोलते हो योर अर नॉट दस दिस इज नॉट द करेक्ट करोनाशन द प्रोनासिएशन इज नॉट ईयर ठीक है ना तो क्योंकि यर आवाज निकल रही है तो यो पे आपका फोकस जा रहा है यो एक कॉन्सोनेंट साउंड है व्यंजन की आवाज है तो क्या लगा दोगे ओ ईयर नॉट एन ईयर फाइन अब आप बताएं इसको क्या पढ़ेंगे आप और इसको क्या पढ़ेंगे और इसके आगे क्या लगाएंगे ओ या एन दिस इज योर होमवर्क ठीक है ना फाइन सो नाइंथ और टेन क्वेश्चन आपका होमवर्क है आप मुझे आफ्टर आप दी वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल